हेलो एवरीवन, ध्रुव एकेडमी घुमारवी में आपका स्वागत है। एक लंबे समय के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में वैकेंसीज निकली हैं, तो इस वीडियो में हम इन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, कब से फॉर्म्स भरना स्टार्ट होंगे, कितनी फीस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ सीट्स पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितनी है, फीस कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, इस डेट की नोटिफिकेशन आई थी 25 अगस्त 2023। कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 5 सितंबर, और कब इसकी एप्लीकेशन की भरने की लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 12 बजे तक। अब हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, पे स्केल क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेनोग्राफर, ये सारी पोस्ट किस बेस पे है, रेगुलर बेस है। एक पोस्ट है किसकी, जो हमारे पास कौन सा है, असिस्टेंट प्रोग्रामर है, यही है एक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, बाकी सारे कैसे हैं, रेगुलर बेसिस की पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 5 है, पांचों ही अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, ठीक है। तो पे लेवल क्या है, 11 है, जो कितना होता है 38,500 से लेके 1,22,700 तक, ठीक है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है हमसे, ग्रेजुएशन मांगी है, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोटाइपिस्ट और जजमेंट राइटर और स्टेनोग्राफर इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टाइपिंग स्पीड कितनी मांगी है, 100 WPM मांगी है। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट कौन सी है, ट्रांसलेटर। अब हमारे पास 3 ट्रांसलेटर की पोस्ट है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वन है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 2, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, पे स्केल सिमिलर है, पे लेवल 11, क्वालिफिकेशन सिमिलर ही रहेंगी ऑलमोस्ट ट्रांसलेटर की सभी की, ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स इन इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसलेटर इन उर्दू की। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी की है, पे स्केल सिमिलर है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि इसमें कैंडिडेट ने उर्दू पढ़ी हो कब तक, 10th क्लास तक। नेक्स्ट है ट्रांसलेटर पंजाबी, नंबर ऑफ पोस्ट 1, अनरिजर्व, पे स्केल सिमिलर, ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स इन इंग्लिश, ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी, और कैंडिडेट ने पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा हो कब तक, मैट्रिकुलेट तक। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट प्रोग्रामर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, और वो भी किसकी, एससी की, पे स्केल या पे लेवल कौन सा है, सिमिलर है, 11। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी लंबी है, बीई बीटेक इन कंप्यूटर और आईटी, इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन। क्वालिफिकेशन किस डिवीजन में चाहिए, सेकंड डिवीजन में चाहिए, और अगर आपके पास बीटेक नहीं है कंप्यूटर आईटी में तो एक और है, क्या बीएससी किया हो, ग्रेजुएशन की हो, मतलब बीएससी बीए बीकॉम इन फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन स्लैश आईटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस एज सिस्टम असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोग्रामर, ठीक है। और एक और भी दी है कि मैट्रिकुलेट विद 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निकल कॉलेज, ठीक है, पॉलिटेक्निकल वाले भी भर सकते हैं लेकिन 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारे पास क्लर्क या प्रूफ रीडर, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी पोस्ट को भरेंगे। अब इस पोस्ट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 15 है, जिसमें से 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें से 1 क्लियर कट और 3 एंटिसिपेटेड, 3 एससी कैटेगरी के लिए, 3 एसटी कैटेगरी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 2 पीएच, ठीक है। पे लेवल 3 है, ऊपर वालों से कम है,
20,000 से 200 से लेके 64,000 तक। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी आपसे, ग्रेजुएशन और टाइपिंग इंग्लिश में, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास ड्राइवर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 6, जिसमें से 1 एंटिसिपेटेड, ठीक है, 1 एससी के लिए क्लियर कट, 1 एसटी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। पे स्केल लेवल कितना है, 5 है, 21,000 से लेके 67,800 तक। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या पूछिए आपसे, मैट्रिकुलेट और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम और हैवी व्हीकल, और साथ में क्या बोला है, साथ में आपसे क्या मांगा है, 3 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पे लिखा है लाइसेंस विद एक्सपीरियंस एट लीस्ट 3 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सफाई कर्मचारी, तो सफाई कर्मचारी की है नंबर ऑफ पोस्ट 4, 1 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 पीएच। पे लेवल कितना है, 18,000 से, पे लेवल 1 है, 18,000 से लेके 56,900 तक। मैट्रिकुलेट, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, ओनली मैट्रिकुलेट। लास्ट वन है मालिकी, ठीक है, मालिकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 5 है, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड, और अनरिजर्व्ड में भी 2 क्लियर कट, 1 एंटिसिपेटेड, 1 एससी की, 1 ईडब्ल्यूएस की। अब इसमें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है, मैट्रिकुलेट मांगी है, डिप्लोमा मांगा है किसमें, गार्डनिंग में, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर मैं ध्यान दूं तो सफाई कर्मचारी और मालिक के लिए क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, यहां पे क्या लिखा है, डायरेक्ट इंटरव्यू की बात करी है, और बाकी के सभी के लिए क्या है, एग्जामिनेशन है, ठीक है, पहले एग्जामिनेशन होंगे सभी के, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन हम एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है, अनरिजर्व कैटेगरी से 340 और बाकी सभी कैटेगरीज से 190 रुपीज, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 ईयर से लेकर 45 ईयर तक है, किस डेट के अकॉर्डिंग, 31st अगस्त 2023 से, ठीक है, और 5 ईयर की रिलैक्सेशन भी है। कैटेगरीज को किसको, बोनोफाइड हिमाचली, कौन कौन से, एससी, एसटी, ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इन सब कैटेगरीज में अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो हमें क्या लगाना है साथ में, बोनोफाइड हिमाचली, ठीक है, और बाकी सभी जो भी इसके फॉर्म फिल करने के पोर्टल हैं उनका, उन सभी का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।